उसे देखो, उसे देखो। क्या हो गया उसे? हम लोग बेगुनाह हैं। सही कह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो अपनी जगह से हिले भी नहीं। देखिए अंकल, हमें आप लोगों पर कोई शक नहीं है, ये जरूर किसी भूत का काम है। नहीं तो ऐसे रमिया इतने जल्दी कैसे मर सकती है? शुरू से ही हमें जरूर कोई भूत फॉलो कर रहा है। अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है। शहर पहुँचने में और कितना टाइम है? अरे अरे, और 5-6 किलोमीटर की दूरी पे, जल्दी चलो ना। हाँ जल्दी चलो। शांति देवी आप ही है ना? हाँ मैं हूँ सर। आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर आइए सर। जूते पहने, चलेगा? कोई बात नहीं सर, अंदर आइए। थैंक यू। बैठिए सर। हाँ। आप जानती है ये कौन है? नहीं जानती सर। जिस दिन आपकी बेटी का खून हुआ था, उस दिन वो अपने ससुराल जा रही थी ना? हाँ सर। आपका और उसके ससुर जी का कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उनका नंबर है आपके पास? क्या हुआ सर? बस ऐसी इंक्वायरी करने के लिए। नंबर तो है सर, लेकिन मेरी छोटी बेटी को पता है। ठीक है, आपकी बेटी कहाँ है? वो ट्रिप पे गई है सर। अच्छा तो एक काम कीजिए, ये मेरा नंबर है, उसके आते ही फोन कर लीजिए। ठीक है सर। मैं चलता हूँ। नमस्ते। एम्बुलेंस को फोन करो। लगा यार। एम्बुलेंस? आह!
अरे राम। आंटी आप बैठो, जल्दी चलो। अंकल आप लोग इस गाड़ी से जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर देना, हमारी गाड़ी पीछे ही है। ठीक है। लिफ्ट। भैया ये किसका गाड़ी है? ड्राइवर भाई जरा रोको। रोको। ए कृष्णा देख, कोई बेवड़ा आदमी बी के गाड़ी चलाया होगा, देखो पेड़ में ठोक दी, पूरी गाड़ी का तो सत्यानाश हो गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, जरा गौर से देखो उसको, किसका गाड़ी है वो? अरे इसकी, अरे ये तो अपनी गाड़ी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ भाई जल्दी कर। अरे अरे ये, अरे भैया गाड़ी के अंदर एक लाश है पीछे। हाँ मैं आ रहा हूँ, तू हट जरा। उधर देख भैया। अरे बाकी के लोग कहाँ हैं? ये आप क्या बोल रहे हो भाई, सब लोग उस लाश के पास बैठा रहेगा क्या? अरे किसने गाड़ी चलाया, जब गाड़ी चलानी है तो काय को चलाया? भाई मुझे पैसा दो, मुझे जाना है। तुम जाओ। सब देखकर मैं सोच रहा हूँ आपके साथ क्यों आया था मैं, मुझे आप नहीं चाहिए, आपके गाड़ी का काम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझको, मुझे पैसा देकर हिसाब कर दो, घर जाना है मुझे। बेवकूफ कहीं के, मेरी गाड़ी की हालत देख रहा है, तेरे को पैसे की जरूरत पड़ी है? थू। हेलो सर, मैं अमजद बोल रहा हूँ। सर वो मटकरी ट्रिप के लिए गाड़ी बुक किया था ना मनोज ने, सर हमें बिना बताए गाड़ी को चलाकर एक पेड़ से ठोक दिया है सर। और सर उस गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी भी पड़ी है। हाँ ठीक है साहब। भैया बॉस ने क्या कहा? नमक हराम कहीं का। अब मैं क्या करूं? कृष्णा क्या हुआ तुझे? घंटा हुआ नहीं तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा वैसा काम क्यों कर रहा है? पुलिस वाले को काय को फोन किया? अरे अगर पुलिस को फोन नहीं किया तो अपने ऊपर आ जाता है कृष्णा। हाँ कुछ भी कर, चाहे तू जी चाहे तू मर, मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। ए कृष्णा थोड़ा चुप रहना, थोड़ी ही देर में पुलिस आती होगी। हाँ, आ जाएंगे, वो आके यहाँ वाट लगाएंगे। बेवकूफ हरामजादे, तू ही तो मुझको लेकर यहाँ आया था ना, वहाँ गांव में मेरी माँ मेरी शादी धूमधाम से कराना चाहती है और तुम यहाँ पर मुझे दलदल में फंसाने की बात कर रहे हो। ईमानदारी से मेरा हिसाब दे दे, नहीं तो। ए कृष्णा शांत शांत, तुझे पैसा चाहिए ना बस। मैं देता हूँ, ये ले ये ले। अब आया ना लाइन पे, ये ले। पहले क्यों नहीं दे दिया, दिमाग घुटने में है क्या तेरा? लाश की रखवाली कर, पुलिस आएगा तुझको जेल लेके जाएगा। बॉडी बड़ा है इसका लेकिन दिमाग छोटा है साले का, समझता नहीं है मेरी बात को। छे पता नहीं क्या हो गया इस मोटे गेंडे को। हेलो माँ, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हम लोग अभी रास्ते में हैं, 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। हाँ
ठीक है ठीक। प्रदीप जरा फोन देना। ये ले। हेलो पापा, मैं मनोज बोल रहा हूँ। पापा। मनोज बेटा क्या हो गया, दो दिन हो गए, फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्या बताऊँ पापा, इस ट्रिप में सब अजीब अजीब हो रहा है, मेरे 6 दोस्त मारे जा चुके हैं पापा। बेटा तुम तो ठीक हो ना? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ तुम लोग। ओके पापा। क्या हो गया? सर जरा गाड़ी रोकी। क्या हुआ पवित्रा? पता नहीं पेट में थोड़ी गड़बड़ है, वॉमिट आ रही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम सिटी में आ ही गए हैं। मुझसे नहीं होगा मनोज। अरे भाई साहब जरा गाड़ी साइड में लेना। पवित्रा क्या हुआ? पवित्रा, अरे पवित्रा क्यों भाग रही हो? ए पवित्रा, क्या हुआ इसे यार? ए पवित्रा, पवित्रा, ए पवित्रा, पवित्रा क्यों भाग रही हो? पवित्रा, पवित्रा रुको। ए पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा रुको, कहाँ जा रही है यार? ये इस जगह में क्यों आई है? पवित्रा, पवित्रा ये जगह सही नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। कहाँ भाग के जाएगा तू? बोलना कहाँ भाग के जाएगा? हाँ पवित्रा। क्यों क्या हुआ? आज ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। कौन पवित्रा? मैं पवित्रा नहीं हूँ, उसकी बहन शालिनी हूँ। शालिनी? कौन शालिनी? क्यों याद नहीं आ रहा है क्या? ठीक से याद करके देख। पवित्रा प्लीज, ये क्या हो गया है तुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे पवित्रा, छोड़ो। तेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है, तो निकल यहाँ से। इसके साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, छोड़ूंगी नहीं। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो प्लीज। तू? अच्छा तूने कुछ नहीं किया है, तुझे जाने दूँ मैं? तुझे सब याद दिलाने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ, याद कर। रुको रुको, वो लड़की भाग के आ रही है, जरा देखो। बचाओ, बचाओ। क्या हुआ है बेटा? What happened? वहाँ चलिए सर, वो। ए, come on, come on, come on, अंदर बैठो।
छोड़ दो उसे, नहीं तो देखो छोड़ दो उसे नहीं तो शूट कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तू गोली चलाएगा तो पवित्रा मरेगी, मैं नहीं। तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर, मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दो, इससे मरने के बाद ही मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ए, देखो मेरी बात मानो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो नहीं तो। इन सबको अच्छा इंसान समझ रहे हो इंस्पेक्टर? पापी हैं ये लोग, दरिंदे हैं। इन लोगों ने मेरा बलात्कार करने के बाद मेरा खून कर दिया। मैं अपने घर में खुशी खुशी बहुत अच्छे से जी रही थी, और फिर एक दिन। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ गई थी तुम दोनों? तुम्हें फोन कर करके मैं थक गई हूँ। क्या माँ इतना गुस्सा क्यों करती हो? हम दोनों फिल्म देखने गई थी, मोबाइल साइलेंट मोड पे था, समझ गई ना? अच्छा बताओ आपने फोन क्यों किया था? रामपुर से तुम्हारे ससुर जी आए थे, वो तुम्हारा इंतजार कर करके चले गए। ये बात है माँ, क्यों आए थे वो? किस लिए आएंगे? छुट्टियों में तुम्हें बुलाने आए थे। माँ सब जाएंगे, प्लीज माँ, मैसूर के पास है, सब जाएंगे। दीदी कंपनी वाले मुझे छुट्टी नहीं देंगे, आप और माँ दोनों होकर आओ। शालिनी मेरे पैर में बहुत दर्द है बेटी, मैं तो बस में चढ़ भी नहीं सकती, उतर भी नहीं सकती, और उस गांव में जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तुम अकेली चली जाओ ना बेटी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं वहाँ अकेले ही जाती हूँ। मेरा लगेज कहाँ है माँ? उधर ही पैक करके रखा है बेटा। यार सोमू वो देख सामने, यार ये लड़की तो अकेली चली आ रही है। ए, उस लड़की के पीछे उसका बाप या ससुर कोई तो आता होगा। नहीं वो अकेली है, पक्की बात है। चलो मस्ती कर लेते हैं। ठीक है सुन रे, उसको इधर आने दो, उसकी तरफ कोई ना देखो। What?
तू जा। सर सर टाइम हो गया सर। अगर मेरे मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी को खतरा हो जाएगा सर। सर मुझे भी सर चांस चांस चाहिए। जा 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 जा। सर वो तो मर गई है सर। ए गोरखा ये क्या किया तूने? सर आपने जो किया मैंने भी वही किया। अब क्या करेंगे यार, पुलिस को पता चला तो हम लोगों को जेल के अंदर बैठ के सलाखें गिननी पड़ेंगी। ए सुनो एक काम करते हैं, बॉडी को कहीं फेंक देते हैं। सर यहाँ पास में एक तालाब है, वहां फेंक देंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, ए इस बॉडी को उठाओ तालाब में फेंक देते हैं। चलो। हाँ सर चलिए सर। चारों ने तुम्हारे साथ रेप किया ये तो समझ में आता है, लेकिन उन बेचारी लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, इसलिए मैंने उन लोगों को जान से मार डाला। नागराज को मारते समय हेमा बीच में आई, इसलिए वो मारी गई। पवित्रा तुम इतनी रात को यहाँ भूत की तरह क्या कर रही हो? भूत जैसी नहीं, भूती हूँ। पवित्रा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं पवित्रा नहीं हूँ, उसकी बहन शालिनी हूँ। कौन शालिनी? क्यों याद नहीं आ रहा है? ठीक से याद कर लो। पवी प्लीज छोड़ दो इसे। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। हेमा ऐसे मरी और दूसरी लड़की मैं देवराज को निशाना बना रही थी, मगर दिव्या डर के मारे एक्सीडेंट में मर गई। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन को बचाना है तो तुम तीनों को मरना होगा। रन 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 रन। Thank you.
कानून की रक्षा करने वाले हैं और आपने ही कानून को अपने हाथ में ले लिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी लोगों को कानून के मुताबिक ही चलना होता है, ये हम सब जानते हैं, मगर यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है वो और केसेस से डिफरेंट है। कानून को चाहिए होते हैं सबूत। ऑलरेडी मेरे पास ये दो चश्मदीद गवाह हैं एंड आई हैव अ पेन कैमरा आल्सो। क्या हम देख सकते हैं सर? नहीं, इसे तो कोर्ट में ही दिखाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। आप देख रहे हैं शालिनी के साथ हुआ था अत्याचार और उसके साथ जो हुआ वो इस तरह से बदला लेगी, ये बात किसी ने नहीं सोची होगी। शालिनी मर्डर केस इस तरह से मोड़ लेगा ये आपने और हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये सच है। कुछ भी हो, बलात्कारी लोग कानून के हाथों से तो बच सकते हैं, लेकिन कानून से भी बड़ी एक ताकत है, उससे कभी नहीं बच सकते। इसलिए बलात्कारी लोग सावधान। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुवर्णा, साइनिंग अप, बाय बाय।